सुनते हैं 80% लोग, 80% पुलिस डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। आजकल की समस्या देखिए आप, आम आस पास कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है। मैंने जो अपना कदम उठाया है क्योंकि लोग साफ हो गए। आयुष्मान कार्ड क्या है, ये सरकार ने जारी तो किया है पर हर व्यक्ति को इसकी फैसिलिटी नहीं है। आज तक मुझे मैं उसकी कैलकुलेशन कर पाया, पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया आम जन व्यक्ति के बहुत नेगेटिव है। 10-20% तो मैं कह सकता हूँ जो सुनते हैं, 80% लोग, 80% पुलिस डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं कर करते। थाने में यदि गांव की कोई पंचायत गई है, 4 बंदे गए हैं, तो थाने में सरकार ने वैसे मित्र कस के बोर्ड लगाए हुए हैं। वो मित्र कस का मतलब लोग वो समझ नहीं पाते, पुलिस वाले उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता कि वो मित्रता का व्यवहार या उनकी कोई रिस्पेक्ट हो, उनकी सुनी जाए। प्रेशर डालना, पैसे लेना, अननेसेसरी किसी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराना, उसमें बुलाना, फिर उसको छोड़ना, सारा दुरुपयोग जो नीचे वाले करते हैं, इन चीज़ों से मुझे बड़ी तकलीफ है। बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद मेडिकल की समस्या देखिए आप, आम आसपास कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है इतनी बड़ी आबादी के क्षेत्र में, पूरे ज़िले में ही नहीं है कि कोई हार्ट से संबंधित सर्जरी का या कोई कैंसर डिपार्टमेंट का। बड़ी मेडिकल की समस्या है, आम व्यक्ति को, आम बंदे को तो मेडिकल सुविधा मिल ही नहीं पाती। हर व्यक्ति घर से जैसे ही चलता है किसी ना किसी की शरण लेने की कोशिश करता है, मुझे वहाँ मदद मिले, वहाँ मदद मिले। सरकार को इस बात के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे सरकार में मेन व्यक्ति नेता लोग यहाँ के बैठे हैं, उन्होंने गरीब जो लोग हैं, गाँव में जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को गाँव में जाके सुनना चाहिए। नहीं सुनेगा तो हम इस चीज़ के लिए तैयार बैठे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे हल्के की, सरकार तक इस बात को हम भेजते रहेंगे बार बार। लोग मेरे साथ, हजारों लोगों का साथ है, मेरे पास आते हैं, कहते हैं आगे बढ़ो। मैं किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण मैं पॉलिटिकल एंट्री नहीं कर सकता था। अब मेरा इंटरेस्ट है कि लोग मुझे साथ देंगे तो मैं हर व्यक्ति की जनरल समस्या जो है और रोजगार की जो समस्या है उसको भी मैं देखता हूँ। लोगों में इतना है, युवाओं बच्चों में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, जो बीए है, एमए है, डिप्लोमा है, बीएएमएस है, एमबीए बच्चे बैठे हैं, बीटेक बच्चे बैठे हैं, कोई रोजगार की वो व्यवस्था नहीं है, खासकर उचाणा हल्के में। ना तो यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया गया, ना कोई फैक्ट्री आई। लघु उद्योगों की सरकार की पॉलिसियाँ हैं, किताबों में है, बेडरूम में है, उनको लोग आम जन तक पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ना उनके लिए कोई लोन की व्यवस्था की बात, ना उनको आगे कोई दिशा निर्देश गाइडलाइन देने वाला कि भाई तुम ऐसे करो। और सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो डिप्टी कमिश्नर या एडीसी ऑफिस में आती हैं अवेयरनेस के लिए, गांव में एक दो बंदे को किसी को पता हो तो पता हो, किसी की ड्यूटी नहीं लगाई जाती कि आप इस बात का ऐसे इस टाइम इस सीजन पे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल भी सरकार का इन बातों की तरफ ध्यान नहीं है, विशेषकर हमारे हल्के से जो कि हरियाणा की सबसे हॉट सीट विधानसभा की सीट है। इस सीट पे हर लीडर की, छोटे बड़े नेता की नज़र है और उम्मीद भी करते हैं यहाँ की सीट से लोग, पर बड़े खपा हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी परेशानी है लोगों को यहाँ। उनकी परेशानी को देखते हुए मैंने ये अपना एक कदम उठाया है, मुझे लोग साथ देंगे तो मैं हर चीज़ को, छोटे से छोटे चीज़ को ध्यान में रख के उसका समाधान करूँगा, नज़रअंदाज करूँगा मैं। आयुष्मान कार्ड क्या है, ये सरकार ने जारी तो किया है पर हर व्यक्ति को इसकी फैसिलिटी नहीं है, हर हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है। आयुष्मान कार्ड का सबसे ड्रॉबैक, नेगेटिव मैं आप लोगों को बताता हूँ। आयुष्मान कार्ड यदि लेके हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं उसका कार्ड बनवाओ, प्राइवेट में 1,500 रुपये की पर्ची कटवाइए, उसके टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसके बाद वो कोई बीमारी प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो एडमिट करते हैं, एडमिट के बाद उसको फीस मिलेगी, नहीं तो 10-15-20 हज़ार रुपये उससे पहले एक गरीब व्यक्ति के लग चुके होते हैं, जो कि एक 20 हज़ार रुपये में, तो ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जो 6-6 महीने का अपना गुजारा करते हैं। आयुष्मान की कोई विशेष सुविधा नहीं है कार्ड की, इसको प्रॉपर तरीके से लागू करना चाहिए सरकार। तो क्या इन सब सुविधा को छोड़ के आम जनता का कहना है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जी, अगर सरकार राशन को छोड़ के इन चीजों पर अगर फोकस करे तो क्या देश की और हल्के की उन्नति नहीं होगी? यदि रोजगार की तरफ ध्यान देंगे, रोजगार घर घर रोजगार होगा, उनको घर में लघु उद्योगों के साधन होंगे, उनके अर्निंग हैंड होगा, तो लोग क्यों लेंगे फ्री की सुविधा?
ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, अर्निंग एंड नहीं है। ये पॉलिसियां लंबे टाइम से बनी आई हुई हैं, ऐसा नहीं कि अभी सरकार ने बनाई है, जो भी लंबे टाइम से पॉलिसियां बनी हुई हैं वो चल रही हैं। जो लोग अर्निंग एंड होंगे वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो एजुकेशन हमारे एरिया में बढ़ेगी तो इस बात को समझ जाएंगे। तो क्या मानते हैं कि 2024 के लिए आप कितने तैयार हैं, अपने आप को मैदान में कितना आप समझते हैं कि हम सही हैं? 2024 के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। मैं हर मेरे मानसिक रूप से मेरे लोगों जो मेरे पीछे हजारों लोग हैं उनके हिसाब से मैं ये तैयार हूं। वो मुझे कहते हैं कि आप आ गया हो, यदि मुझे मौका मिला, यदि जहां मैं आस्था रखता हूँ यदि मुझे मौका मिला तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हर गाँव में मेरी टचिंग है, लोग मुझे प्यार करते हैं, जहां भी बैठता हूं मैं अपने बच्चे की तरह मुझे प्यार। तो सर किन मुद्दों के साथ अगर आपको जिम्मेवारी मिलती है तो मुद्दे और सबसे पहले आपकी कलम से क्या कुछ काम करेगा? सबसे पहले तो मैं मेरा स्वास्थ्य और रोजगार का टारगेट रहेगा। उसके बाद गांव में अब स्वास्थ्य की एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि कोई अधिकारी है, कोई नेता है जिसकी पावर है, जो प्रेशर है प्रशासन में, उसको घर जाके सुबह चेकअप करते हैं, जब तक वो फिट हो जाता है तो उसको घूमने की परमिट कहते हैं, आप घूम के आ सकते हो। हर एक गांव मैंने पीछे 20-25 आई कैंप लगाए, मैंने घर घर जाके संदेशा दिया, जरूरतमंद गरीब लोगों की मैंने करीब करीब 950 के करीब आंखें मेरे हल्के में बनवाई है। मैंने बड़ौदा में लगाया, कसून में लगवाया, नगूरा में लगवाया, अड़ेवा मैंने रेगुलर कैंप लगाए, बिगाड़ा में लगाए। तो वहाँ जो मैं गरीब घरों में जाता था, बाल्मीकों की बस्तियों में, चमारों की बस्तियों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी थे वहाँ जिनको ना कोई चेक कराने वाला ना टेस्ट कराने वाला, क्यों नहीं सरकार उनको भी यदि एक टोल फ्री नंबर ऐसा हो जो उसके घर जाके उनका चेकअप हो, टेस्ट हो, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जा सके। मेरे अंदर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी लगती हैं सरकार को ये बातें, पर मुझे मेजर लगती हैं इन इन चीज़ों की, रोजगार की, स्वास्थ्य की और एजुकेशन के हिसाब से तो उचाणा में है ही नहीं कुछ भी। सर आपने अभी जो आस्था की बात कही है, जहाँ मेरी आस्था है वहाँ से अगर इजाजत मिली तो yes. क्या आप जनता के कहने से मन बनाया है या आपके अंदर से कोई ऐसी भावना आई है राजनीति माने की, और आस्था की तरफ से अगर आपने टिकट नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या? देखो राजनीति में आने का मेरा पहले तो मेरा ही मन बनाया लोगों की तकलीफ देखते हुए कि भाई इस चीज में यदि एंट्री होती है इस चीज से हम समाधान कर सकते हैं, सरकार के ऊपर हम अपनी पॉलिसियां रख सकते हैं, एडवाइज कर सकते हैं, हम उनसे कुछ ले सकते हैं। फिर मैंने अपने जो लोगों से, जो अपने भाईचारा है, परिवार है, गांव है, जहाँ मेरे संबंध है, सबसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप आइए हम आपके साथ हैं, हम बड़े परेशान हैं उचाणा हल्के में कोई काम ही नहीं होता, पुराने जो लीडर हैं उनसे जनता बड़ी दुखी है मैंने देखा है। तो उसमें आस्था की जो बात आपने कही, अगर उधर से यस नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम इलेक्शन लड़ने का होगा, मैं अपनी पार्टी जहाँ मेरी आस्था है उसे टिकट की डिमांड करूंगा, यदि मुझे इस काबिल समझेंगे तो ठीक है, नहीं अगला कदम मैं अपने जो मिलने वाले हैं लोग हैं उनसे इजाजत लेके उनकी राय मशवरा करके अगला कदम जो भी होगा उनके अनुसार मैं उठाऊंगा। सर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बीच में कैसे टिक पाएंगे आप, क्या क्या सकते हैं? इनको दिग्गज किसने बनाया? इनको दिग्गज लोगों ने बनाया, दिग्गज ये नहीं है, दिग्गज ये किंग मेकर है जो सामने बैठे जनता है। यदि दिग्गज इनको दिग्गज बनाया, दिग्गज का मतलब बड़े बड़े परिवार, यदि मैं आऊंगा मुझे ये लोग मुझे बड़ा बनाएंगे तो मैं उनके बीच में रहूंगा। इनको चंडीगढ़ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, टाइम का नहीं सोचना पड़ेगा, अब तो इनको सोचना पड़ता है हल्के में कौन बंदा बैठा है, ये तकलीफ है तो मैं किसको कहूँ, इनके पास तो बंदा ही नहीं है, लोगों के साथ ये अन्याय है। मैं इनके बीच में रहने वाला हूँ, 24 घंटे इनके बीच में रहता हूँ, हर टाइम हाजिर रहूंगा और ये हर समस्या समाधान करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सर जैसे वीरेंद्र सिंह की बात करें या फिर दुष्यंत की बात करें, बार बार ये कह रहे लोग देखो मैं पर्सनल किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे तो अपना पता है, मैं जो हल्के में घूमता हूँ मुझे ये पता लगा इनसे लोगों का मन बिल्कुल उब चुका है, नया चेहरा देखना चाहती है पब्लिक, नए चेहरे में वेल एजुकेटेड बंदा हो जो इनकी भावनाओं को समझ सके। सर एक बंदा राजेश कुमार पूछ रहे हैं आपसे, आप
इस हल्के के बिल्कुल नए चेहरे हैं, जनता ने कभी आपको यहाँ घूमते हुए या किसी से कोई सभा में नहीं देखा है, तो आपने किस प्रकार की समस्याएं यहाँ हल्के में जो समस्याएं पनप रही हैं, कैसे महसूस किया है ये समस्याएं? मैं बिल्कुल नया नहीं हूँ, मेरा गांव अलेवा है, मैं यहाँ सामाजिक सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बाबूजी 50-50, 60-60 गांव के पंचायतों में विशेष भूमिका है प्रदान करते हैं, वो समाज से जुड़े रहते हैं। मैं रेगुलर गांव में मेरे हल्के में रहता हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे 2-4 गांव हो जहाँ मैं टचिंग में नहीं आया, मुझे लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आप आए हुए सभी पत्रकारों का तो नए साल की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप लोगों का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे साथ ही आए उनकी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को मैं एक बधाई और दे। मुझे एक बात का और पता लगा, आप लोग पत्र साथियों ने, आपकी टीम ने इस हल्के में उचाणा के एरिया में बहुत से सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम किया, जो का काम सरकार का था, जो कि इसके लिए मैं आप स्पेशल बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोगों के साथ हूँ, यदि मेरे पब्लिक की आप लोगों को कहीं सहयोग की जरूरत है तो हम उसकी आवाज आप लोगों के साथ भी उठाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बार बार।